अभी पंजाब में एक बिजनेस कंपटीशन हुआ था, जिसमें जैसे आप लोग जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपना बिजनेस करना चाहते हैं बट उनके पास पैसा नहीं है, तो उसके लिए डेबिट कॉलेज 5 से 6 लाख या 20 से 25 लाख के अराउंड उस बच्चे को पैसा देगा जिसका सबसे अच्छा बिजनेस आइडिया हो। तो उसके हम लोग जज थे, सुनील भूटानी सर टेक्नोलॉजी डायरेक्टर, जिसमें इन्होंने सेलेक्ट करने थे स्टूडेंट्स जिसको वो पैसा मिला था, यानी कि जज करना था उन कैंडिडेट्स को जिनका बेस्ट आइडिया था। वो भी 30 सेक्टर में, अगर आप शायद उस साइड से आए तो आपने देखा होगा के साथ ये गूगल सर्टिफाइड सर्टिफिकेशन है एमए टेक्नोलॉजीज की, फेसबुक ब्लूप्रिंट सर्टिफिकेट, ये पेड यानी कि सर्टिफिकेट रहता ऑनलाइन टेस्ट जिसमें 100 मार्क्स का टेस्ट होता है, 80% पासिंग मार्क्स होते हैं, जिसकी रजिस्ट्रेशन फीस है यानी कि टेस्ट देने की जो फीस है वो $67 है, आप पे करोगे तभी आप टेस्ट दे सकते हो। ये भी जरूरी नहीं है कि आपने पे कर दिया तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने ये चीज़ क्लियरली लिख रखी है कि अगर आपके 79 मार्क्स आते हैं तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, आपको सर्टिफिकेट देने के लिए दोबारा फिर से $67 देने पड़ेंगे और दोबारा फिर से टेस्ट देना पड़ेगा, तभी आप फेसबुक सर्टिफाइड हो सकते हो डिजिटल मार्केटिंग। ये एक वर्कशॉप थी आईएसबी बिजनेस स्कूल ऑफ इंडियन बिजनेस स्कूल, जिसमें पूरे पंजाब के मिनिस्टर थे जिनके साथ ट्रेनिंग्स के ऊपर डिस्कशंस थे। एडवर्ड सर्टिफिकेशंस जिसमें हम पेड कैंपेन जो पीडी लिखा होता है ना, हमने कभी गूगल पे नहीं दिखाया, ये उसकी सर्टिफिकेशंस है, उसके भी टेस्ट होता है गूगल का, ये फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट होते हैं, बट इसमें 100 मार्क्स होते हैं, 80% मार्क्स आएंगे तभी सर्टिफिकेट मिलेगा, एक सर्टिफिकेट के लिए आपको 2 पेपर देने पड़ेंगे। फैकल्टी है ये हमारे एमबीए टेक्नोलॉजी से सुनता है, इन फैकल्टी को ये ट्रेन करके गए थे, यानी कि ट्रेनिंग जैसे मैंने कहा था हम ट्रेनिंग देते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में, टीचरों को पढ़ाते हैं। ये सिलेबस डिजाइन किया था नेटर के अंदर ही, जितने भी यूनिवर्सिटीज डिप्लोमा कॉलेजेस के सिलेबस डिजाइन होते हैं वो नेटर के अंदर ही होते हैं, वहाँ पर हम लोग जाते हैं बाहर से एक्सपर्ट्स बुलाते हैं कि आप लोग क्या हम ऐड करें जो बच्चे पढ़े इंडस्ट्री के ऊपर, वो सिलेबस हम लोग बना के देते हैं, जो उसके सर्टिफिकेट्स हैं फोटोग्राफ्स हैं ये कमीशन और वैल्यू सन यूट्यूब चैनल, ये फीडबैक वीडियोज है स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग की जो यूट्यूब के लाइव स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स करते हैं। ये बिजनेस कनेक्ट है पूरे वर्ल्ड की मैगजीन है, जिसमें टॉप 10 कॉर्पोरेट सेक्टर में हमारा नाम आया था, जिसमें हमारा जो रैंक था वो 6 रैंक था पूरे वर्ल्ड में कॉर्पोरेट सेक्टर में जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर पूरे वर्ल्ड की मैगजीन है ये, जिसमें हमारा जो रैंक आया था वो 6 रैंक था पूरे वर्ल्ड पे और इंडिया में नंबर। अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आप जॉब ले सकते हो, नहीं तो स्किल्स को इम्प्रूव करना भी लोग कर सकते हो, कोई तीसरा दर्शन आके नहीं करवा सकता, सही बताओ मेरे पढ़ाने से आप लोगों को आएगा नहीं, आप लोगों को खुद मेहनत करनी है, जब तक आप खुद नहीं सीख सकते तब तक कोई चीज़ें नहीं होंगी, आपको खुद मेहनत करनी है। अभी कॉलेजेस के पेपर पास किए हैं तो टीचर ने करे आप लोग करें, आप लोगों ने टीचर ने तो सिर्फ गाइड किया, उसको करना कैसे है स्टडी किसने की आप, तो सेम वही चीज़ है, हम लोग तो सिर्फ आपको गाइड करेंगे और सिखाएंगे करना कैसे है और होता कैसे है, और सीखना किसको है आप, तो अगर सीख जाओगे तो वही लाइफ बन जाएगी, यही 5-6 महीने नहीं तो आप देखो तो आपके सीनियर 6 महीने में भी
घर पे बैठ कर होते हैं अंबेडकर ठीक है। तो आप लोग फोकस करो अपने स्किल्स को इम्प्रूव करो, ज्वाइन कर सकते हो डाउनशिफ्ट के लिए जिसमें आपको स्टाइपेंड रहेगा, कुछ और क्वेश्चंस आप लोगों के आपको ये यूट्यूब चैनल है जिसमें 2,770 वीडियोस हैं, उसमें सारे ब्रांचेस की वीडियोस हैं, उसमें आपको मेरी वीडियोस भी मिल जाएंगी। अभी ये करंट 148 लोग एक्टिव हैं यूट्यूब चैनल पे, ये हर 10 सेकंड में अपडेट होता है कितने लोग आपकी वीडियोस देख रहे हैं। अगर मैं लास्ट 48 आवर्स की बात करूँ तो 5.1 यानी कि 5,000 से ज़्यादा लोग एक्टिव थे लास्ट 48 आवर्स में, और अगर 7 डेज की बात करूँ तो 22,000 से ज़्यादा। जो हमें यूट्यूब से भी कॉन्टैक्ट करते हैं, आप लोग यूट्यूब से भी पैसा कमा सकते हैं, यूट्यूब से भी 55% पे पैसा मिलता है। जैसे एक छोटा सा मैं दिखा देता हूँ, जैसे मैंने आपसे बोला आप ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो, एक ब्लॉग है ये आप लोग खुद भी बना सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके जरिए हम पैसा कमाते हैं और आप भी कमा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी सीखने की जरूरत है। मुझे सिर्फ ये कंटेंट डाल सकते हैं, ऐड आ रही है, इन एड्स का हमें पैसा मिलता है, ये गूगल में ऐड दे रहा है, डोमेन भी गूगल का, सब कुछ गूगल का, मैं तो सिर्फ इसको चला रहा हूँ, एक टूल है जिसको मुझे चलाना है और जिसके जरिए मुझे पैसा कमाना है, इस टूल के मुझे 55% मिलता है, ये जितनी भी एड्स आ रही है बहुत सारी एड्स आ रही है। जैसे अभी मुझे $56 आ चुके हैं और $168 लास्ट पेमेंट मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुई है, तो यहाँ से हम पैसा कमा सकते हैं। बाकी ज़्यादा दिखाने का होता है ट्रांजेक्शन और सिर्फ एक व्यू दे दिखा सकता हूँ कि किस तरह से पैसा कमाते हैं, और अगर आप करते हो जैसे जिनका इंटरेस्ट नहीं है सॉरी इसमें डेवलपमेंट में, वो ये चीज़ कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग, आप इसमें फ्रीलांसिंग काम भी कर सकते हो, इसमें टीम नहीं चाहिए होती फ्रीलांसिंग काम करने के लिए, क्योंकि डेवलपमेंट में फ्रीलांसिंग अगर आप करते हो तो आपके पास 3 से 4 लोगों की टीम होनी चाहिए, जबकि इसको सिंगल पर्सन एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट हैंडल आउट कर सकता है एक टाइम, ये एक ऐसी गवर्नमेंट है ठीक है। तो किसी को कुछ भी पूछना हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो किसी भी चीज के अभी आप ही के कॉलेज में हमारे घर MOU साइन डिपार्टमेंट ऑफ हिमाचल कॉलेज आपके कॉलेज में, उसमें वही चीज वही उन्हीं कंपनीज का MOU होता है जो AICTE से एफिलिएटेड होते हैं, यहाँ पे ट्राइसिटी पे कोई भी कंपनी नहीं है जो AICTE से एफिलिएटेड हो, पता कर लो पूछ लो, अगर होती तो शायद वो आपको, क्योंकि पूरे इंडिया की यूनिवर्सिटीज को वही हैंडल करता है AICTE, बाद में जितना भी डिप्लोमा कॉलेज है उनके साथ आपको क्या बच्चों को पढ़ा टीचर को पढ़ा चार सब्सिडीज रहती है, इन्वेस्टर ट्रेनिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग और गवर्नमेंट में। इन्वेस्टर ट्रेनिंग में सारे डिपार्टमेंट्स अलग रहते हैं, CSC डिपार्टमेंट्स में जावा है, पाइथन है, IoT है, डिजिटल मार्केटिंग PHP जावा है, क्लाउड आईओएस बिग डेटा है, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सारे टेक्नोलॉजीज अलग हैं। किसी
सीसीएन में सीसीएन भी बन गया तो पूरा करो, एक को भी करने का फायदा नहीं है। अगर आप दोनों सीसीएन में भी होता है तो एक आधा पार्ट है, अगर करना है तो दोनों करो, सीसीएन में भी करो, सीसीएन में भी करो, ताकि एक अच्छी जॉब मिल सके। बट आपको उसके लिए कॉम्पिटिशन करना पड़ेगा क्योंकि इंडिया में बहुत कम जॉब्स है, पूरे इंडिया में 46 जॉब्स हैं। इंडिया में 46 है तो आपके जैसे कितने लोग होंगे लाखों की गिरा दो भाई। बैंक के पेपर के लिए एक पोस्ट के लिए अभी हिमाचल में HR किसी की पोस्ट निकल रखी थी मकैनिकल के लिए, तो मेरे गांव के 10 लोगों ने बता रखा था। तो मैंने पूरा चेक किया उसका पोर्टल, उसने मेरे से करवाया था, तो लगभग 1,00,000 से ज़्यादा कैंडिडेट्स ने उस एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर रखा है, जबकि स्टार्टिंग सैलरी उसकी 7,000 से 12,000। और इस गवर्नमेंट का बताना चाहता हूँ किसी की पूछ लेना भी अच्छा किसी के प्राइवेट से कि पॉस्ट निकली थी पालमपुर डिपो, ये भी बता चेक कर लेना एक तब इसमें, क्योंकि मैंने उसकी भर्ती तो मुझे पता नहीं। फीस SC और OBC के लिए फ्री था, सॉरी SC के लिए फ्री था, कैटेगरी OBC के लिए 300 रुपये की फीस थी। अब आप सोचो जब 1,03,000 रुपये देंगे तो गवर्नमेंट के पास कितना पैसा आया। अरे जो आपको सैलरी देगा ना 60 साल तक, तब भी गवर्नमेंट को पीछे सर्वे हुआ था इंडिया का, बैंक की पोस्ट थी 250 से 300 पोस्ट, जिसमें 10 से 12 लाख लोगों ने अप्लाई किया, जिसमें गवर्नमेंट ने सर्वे किया था, सर्वे जो गवर्नमेंट ऑफ सर्वे होते हैं उन्होंने सर्वे किया, जिसमें अगर वो स्टार्टिंग से ही हर पर्सन को 7,000 सैलरी मंथली देते हैं तब भी गवर्नमेंट को 4.5 लाख रुपये का प्रॉफिट हो रहा था, सिर्फ किस पैसे से, जो हम पेपर भरने की फीस देते हैं। मतलब क्या निकलता है यहाँ से, यानी कि जो पैसा हमने पेपर भरने के दिए थे उसी पर्सन से उनकी सैलरी निकल गई और उसी से गवर्नमेंट को 4.5 लाख रुपये का प्रॉफिट भी हो गया। आपने कभी इन चीजों का अभी एनालिसिस करा, सर्वे सर्वे पढ़ते हो, कभी देखना कि जब एक आधी पोस्ट हो कितने लोग अप्लाई करते हैं। अब देखो मानो मुझे अप्लाई करना है, गवर्नमेंट पेपर कभी नहीं मिलता, मैंने आते हैं मुझे पता मुझे आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हो तो बताओ। राजा को गोपंगम दास
राजा गोपी का बंधन दास से राजा गोपी का बंधन दास राजा गोपी का बंधन दास राजा गोपी का बंधन दास इस टास्क को कोई और कंप्लीट करना चाहेगा गुजरने वाली हवा पता मेरा इतना काम करेगी मेरे काम मेरे दोस्त को सलाम दे मेरे गाँव में है जो गोदरी जहाँ रहती है मेरी दुर्गा उसे मेरे प्यार का जान उसे मेरे प्यार का जान वही थोड़ी दूर है घर मेरा मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ मेरी माँ के पैरों को छूके उसे उसके बेटे का नाम दे गुजरने वाली हवा मेरा इतना काम करेगी का मेरे काम मजा मेरे दोस्त को सलाम क्या नाम है टीचर का
टीचर का नाम क्या है? मैं ऐसे लगे बता भी राजेश सर क्या टीच करते हैं वो आप जावा भी जावा भी मेरा बहुत अच्छा share your efforts, full experience, where you get your thing in result. आपको यह ऐसा experience दिया है आपने बहुत सारे efforts लगाए हो, but आपको result क्या दिखा यार? क्या call है वहाँ पे क्या कुछ भी नहीं हुआ? मेरे कुछ efforts नहीं हुआ। तो ऐसा experience स्टार्ट करो क्या
बात मान लेता है आराम से, मतलब कुछ फ्रेंड्स होते हैं उसमें इतना क्लियर नहीं होता है कि हाँ वो बात मान ले, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है हमारे में। आज के दिन भी आप कैसी थी? तो इसके बारे में सर आपको एक सेशन होगा, सेशन के बाद। थैंक यू सो मच।